हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, आगे हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। क्या पढ़ेंगे तो हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था या क्या बताया था, तो हमने आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी दे दिया था, ठीक है। अब हमने आप लोगों से कहा था कि हम अगले टॉपिक में जो पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। उसका नाम क्या रहेगा? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। चलिए देख लेते हैं, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पहला वाला टॉपिक पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देख लेते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है राष्ट्रपति की शक्तियां। अभी तक तो जो हम पढ़े राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की, अनुच्छेद वाइज पढ़े थे ना, अब जो देखेंगे राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति क्या है। तो राष्ट्रपति की अनेक शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की मेरे दोस्त अनेक शक्तियां मिलेंगी। उसमें पहला वाला शक्ति मिलेगी, कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। चलिए पहला वाला हेडिंग बना लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। पहला वाला मिलेगी कार्यपालिका शक्ति, पहले वाले शक्ति का नाम है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। देखिए अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया का कि कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति, कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में मेरे भैया का होगी निहित होगी, राष्ट्रपति में क्या होगी? निहित होगी। तो कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन कहीं पर मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 53 में, लेकिन उससे हमको नहीं लेना है, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करता है या क्या क्या करता है तो उसको देखते हैं। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो राष्ट्रपति कार्य करता है, पहला वाला का किसी भी चीज पर, किसी भी, यहां पर सभी नियुक्तियां आ जाएंगी। देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत पूरी नियुक्ति आती है, जितना नियुक्ति का काम करता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत सभी प्रकार की नियुक्ति आती है तथा उस नियुक्ति पर किया जाने वाला अंतिम हस्ताक्षर। तो पहले ही लिख लेते हैं क्या, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत पहला वाला क्या मिलेगा? अंतिम हस्ताक्षर करता है, किसी भी नियुक्ति पर अंतिम हस्ताक्षर, किसी भी नियुक्ति पर अंतिम हस्ताक्षर करता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत। पहला वाला पॉइंट मिलेगा आपको कि राष्ट्रपति किसी भी नियुक्ति पर, किसी भी नियुक्ति पर क्या करता है? अंतिम हस्ताक्षर करता है। अब देखिए नियुक्ति कौन कौन सी है, पहला वाला तो मिला कि अंतिम हस्ताक्षर करेगा किस पर, तो किसी भी नियुक्ति पर, किसी भी नियुक्ति पर राष्ट्रपति अंतिम हस्ताक्षर करता है। तो यह किस शक्ति के तहत करता है? तो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के तहत करता है। अब देखिए कहां कहां पर ये नियुक्तियां कौन कौन सी है। देखिए दूसरा वाला पॉइंट मिलेगा कि नियुक्तियां, दूसरा वाला पॉइंट कहां मिलेगा? नियुक्तियां, किसकी किसकी नियुक्तियां? तो सभी की नियुक्तियां। देख लीजिए जितना नियुक्ति करता है राष्ट्रपति वह किस शक्ति के अंतर्गत करता है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत करता है। नियुक्ति किसकी किसकी करता है? पहला वाला देखिए, पहला वाला राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो पूरे मंत्री की नियुक्ति करता है, पूरे मंत्री की नियुक्ति करता है।
मंत्री की नियुक्ति करता है किसके सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो अब ये जो मंत्री मिलेंगे कहाँ के मंत्री मिलेंगे, तो संघ के मंत्री। संघ के सभी मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस शक्ति के तहत करता है, तो अपनी कार्यपालिका शक्ति के तहत करता है या कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत। अगला वाला देखिए, फिर इसके बाद क्या मिलेगा, तो इसके बाद जो आपको मिलेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दूसरा वाला किसकी नियुक्ति मिलेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तीसरा वाला क्या मिलेगा, तो तीसरा वाला आपको मिलेगा CJI की नियुक्ति, CJI की नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, तो प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री नहीं, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा राष्ट्रपति करता है। अगला चौथा वाला पॉइंट क्या मिलेगा, तो चौथा वाला जो पॉइंट मिलेगा CAG की नियुक्ति, CAG की नियुक्ति, CAG की नियुक्ति। इसे कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हो गया। अगला वाला आपको मिलेगा मेरे दोस्त UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति, UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, UPSC के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है, तो UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला वाला आपको मिलेगा क्या, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है। हो गया, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत पहला वाला आया क्या, कि किसी भी व्यक्ति का जो नियुक्ति करेगा, किसी भी व्यक्ति की जो नियुक्ति करेगा आपका राष्ट्रपति करेगा, और इस राष्ट्रपति की नियुक्ति पर अंतिम हस्ताक्षर किसका होगा, तो इसकी नियुक्ति पर अंतिम हस्ताक्षर आपके भारत के राष्ट्रपति का अंतिम हस्ताक्षर होगा, किसका होगा, आपके भारत के राष्ट्रपति का अंतिम हस्ताक्षर होगा। अगला वाला देखिए, अगला वाला बताए हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत पहला वाला काम किसी भी नियुक्ति पर अंतिम हस्ताक्षर, दूसरा वाला भारत में जितना भी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और लाइन से दिखा दिए कौन कौन सी है। फिर इसके बाद तीसरा वाला काम का है कि हाय जो नियुक्त किया है इन सबको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, तो इन सबको शपथ भी दिलाएगा, क्या करेगा, शपथ दिलाने का काम, शपथ दिलाना, शपथ दिलाने का काम। शपथ भी कौन दिलाएगा मेरे दोस्त, तो राष्ट्रपति दिलाएगा। किस शक्ति के अंतर्गत दिलाएगा, तो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत क्या क्या काम करता है, पहला वाला किसी भी नियुक्ति पर अंतिम हस्ताक्षर करता है, दूसरा वाला नियुक्ति करता है, कौन कौन सी नियुक्ति करता है, तो संघ के मंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, CAG की नियुक्ति करता है, CGI की नियुक्ति करता है, फिर इसके बाद किसकी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा CJI की नियुक्ति करता है, फिर इसके बाद किसका, UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नियुक्ति तो कर लिया, परंतु इन सबको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो इन सबको शपथ दिलाने का काम हमारा राष्ट्रपति करता है। और यह राष्ट्रपति अपने किस शक्ति के अंतर्गत करता है, तो यह राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत करता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से मेरे दोस्त, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त।
चलिए मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जल्दी से इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति पढ़ेंगे। यह तो आपकी पहली शक्ति थी कार्यपालिका शक्ति, अगली शक्ति कौन सी है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की अगली शक्ति कौन सी है। तो राष्ट्रपति की अगली शक्ति पढ़ेंगे विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की अगला शक्ति मिलेगी आपको विधायी शक्ति। पहला वाला मिली है कार्यपालिका शक्ति, दूसरा वाला विधायी शक्ति। दूसरा वाला कौन सी शक्ति रहेगी? विधायी शक्ति। दूसरा वाला जो शक्ति है मेरे दोस्त, विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। इसी विधायी शक्ति को कानूनी शक्ति के नाम से जाना जाता है। विधि का मतलब कानून, विधायी का मतलब कानूनी, इसी को कानूनी शक्ति के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति विधायी शक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करता है, या विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना कौन कौन सा कार्य करता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्ति के अंतर्गत पहला वाला काम क्या करता है? पहला वाला काम करता है एससी एसटी या महिला, एससी एसटी या महिलाओं के लिए, किसके लिए? महिलाओं के चुनाव के लिए, के चुनाव के लिए, के चुनाव के लिए, चुनाव के लिए सीट को क्या करता है? आरक्षित कर देता है या रिजर्व कर देता है, के लिए सीटों को, सीटों को रिजर्व कर देता है, रिजर्व कर देता है। समझिए, यदि आप देखे होंगे विधायकी का चुनाव होता है, विधायकी का क्या होता है? चुनाव होता है, या सांसदी का भी चुनाव होता है, तो देखेंगे कुछ सीटें फिक्स कर दी जाती हैं कि एससी समाज से ही आएंगे लोग, एससी समाज से या एसटी समाज से आएंगे, या तो कौन से समाज से आएंगे? महिला वर्ग से आएंगे। जैसे गांव में देखे होंगे प्रधानी का चुनाव लड़ा जाता है, तो उसमें देखेंगे उसमें हो जाती है सीट का सुरक्षित हो जाती है, या जनरल हो जाती है, उस जनरल में महिला हो जाती है, जनरल में महिला और पुरुष दोनों हो जाती है, फिर इसके बाद पिछड़ा वर्ग की हो जाती है, अनुसूचित जनजाति की हो जाती है, अनुसूचित जनजाति की हो जाती है, अनुसूचित जाति की भी हो जाती है, पिछड़ा वर्ग की हो जाती है। तो ये सब करने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कि कौन करता है? राष्ट्रपति। यह केंद्र सरकार यानी सेंट्रल लेवल पर करता है पूरे भारत में, लेकिन यदि यही काम एक राज्य में करना हो तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। एक राज्य में करना हो तो राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। और पूरे भारत के लिए करना हो तो कौन करेगा? तो यही काम पूरे भारत के लिए राष्ट्रपति करेगा। यानी एससी एसटी या महिला के लिए चुनाव के लिए, महिलाओं के चुनाव के लिए सीटों को रिजर्व कौन करता है मेरे दोस्त? तो आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दूसरा वाला क्या आएगा? तो दूसरा वाला देखिए, लोकसभा में, कहां पर? लोकसभा में, लोकसभा में। दूसरा वाला आएगा लोकसभा में, दो आंग्ल भारतीय समुदाय, दो एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन, का मनोनयन कौन करता? मनोनयन करना, मनोनयन करना। तीसरा वाला मिलेगा राज्यसभा में। तीसरा वाला क्या मिलेगा? राज्यसभा में, राज्यसभा में कौन लोगों को? 12 लोगों को। राज्यसभा में 12 लोगों को, कहां कहां से? 12 लोगों को कहां कहां से? तो खेल विज्ञान साहित्य कला, खेल विज्ञान साहित्य कला आदि से, कहां से? साहित्य कला आदि से 12 लोगों को, 12 लोगों को मनोनीत करता है। कौन लोगों को करता है? 12 लोगों को मनोनीत करता है। यह राष्ट्रपति अपने किस शक्ति के अंतर्गत करता है?
तो राष्ट्रपति यह अपने विधायी शक्ति के अंतर्गत करता है। किसके अंतर्गत करता है मेरे भैया? विधायी शक्ति के अंतर्गत करता है। अभी चिंता मत करिए, काहे चिंता कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं का कि आई वाला हट गया, इसको बताएंगे अभी हटा दिए हैं। चलिए तो अभी जान लीजिए, यह वर्तमान में हटा दिया गया है। यह वर्तमान में हटा दिया गया है, क्यों हटा दिया गया है? कि अब भारत में कोई एंग्लो इंडियन नहीं रह गया। काहे? क्योंकि एंग्लो इंडियन का मतलब यही होता है कि ऐसा लड़की या लड़का जिसकी माँ भारतीय हो, जिसकी माँ भारतीय हो लेकिन पिता कहाँ का हो? यूरोप का हो, ब्रिटेन का हो, पुर्तगाल का हो, कहाँ का हो? डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी तथा ब्रिटेन से जो आते हैं उनको वहाँ का कोई आदमी हो और यहाँ की कोई स्त्री हो, उससे शादी की, उससे बच्चा जो पैदा हो गया वो हो गया का एंग्लो इंडियन। अब यह वाला प्रावधान हटा दिया गया है, यह वाला प्रावधान संविधान में संशोधन करके क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। लेकिन यह हमको पढ़ाना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि भारत के अध्यापकों ने पढ़ा पढ़ा कर यह इसे सिलेबस बना दिया है। लेकिन यहाँ से सवाल पूछेगा नहीं मेरे दोस्त, लेकिन मैं पढ़ाने का काम कर देता हूं, मैं पढ़ा देता हूं, आप लोग भी इसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति या कानूनी शक्ति के अंतर्गत पहला वाला आता है एससी एसटी या महिलाओं के चुनाव के लिए जो सीटों को रिजर्व किया जाता है वो पूरे सेंट्रल में, केवल केंद्र में, राज्य में नहीं। राज्य के लिए जितना भी काम किया जाएगा कौन करेगा? राज्य के लिए राज्यपाल करेगा, ठीक है। पूरे सेंट्रल यानी केंद्र सरकार के लिए कौन करेगा या संघ के लिए कौन करेगा? तो आपका राष्ट्रपति करेगा। दूसरा वाला, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो किया जाता है यह भी राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्ति के अंतर्गत करता है, लेकिन वर्तमान में इसे संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया है। अगला वाला, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला वाला चलिए देखिए, चौथा वाला देख लेते हैं। चौथा वाला क्या है? चौथा वाला मिलेगा क्या? विधेयक पर, किसी भी विधेयक पर, विधायी शक्ति है ना, तो यहां पर विधेयक पर देखिए, किसी भी विधेयक पर, आगे जोड़ लीजिएगा, किसी भी विधेयक पर, विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर करेगा। किसी भी विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना किसका कर्तव्य है? राष्ट्रपति का कर्तव्य है। किसी भी विधेयक पर यदि अंतिम हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाता है, ठीक है, जब तक विधेयक पर राष्ट्रपति अंतिम हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वह विधेयक विधेयक ही रहेगा। यदि कर दिया तो वह विधेयक कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो किसी भी विधेयक पर क्या करना? अंतिम हस्ताक्षर करना भी यह किसके अंतर्गत आएगा? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला वाला देखिए, पांचवा वाला पॉइंट मिलेगा आपको। पांचवा वाला पॉइंट क्या मिलेगा देख लेते हैं। पांचवा वाला पॉइंट आपको जो मिलेगा, संसद में अभिभाषण का काम, संसद में अभिभाषण संसद में पहला बार जो अभिभाषण देता है राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्ति के अंतर्गत देता है। किसके अंतर्गत देता है? राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या करता है? संसद में अभिभाषण देता है। अगला वाला क्या मिलेगा? तो अभिभाषण देगा किसके लिए? अभिभाषण देगा तो अभिभाषण देगा सत्रावसान के लिए। किसके लिए? सत्रावसान के लिए। और किसके लिए देगा? सत्रावसान व सत्राहूत यानी सत्र को बुलाएगा राष्ट्रपति और सत्र को अवसान भी करेगा, सत्र को आहूत करेगा, बुलाएगा भी और सत्र को अवसान करेगा यानी रोकेगा भी। कौन रोकेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपने किस शक्ति के अंतर्गत रोकता है? तो राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्ति के अंतर्गत रोकता है। अगला वाला देखिए, सातवां वाला पॉइंट का मिलेगा, यदि संसद में दो सदन है, संसद में कौन सदन? दो सदन। देखिए मान लीजिए यह संसद है, संसद में दो सदन, पहला वाला लोकसभा, दूसरा वाला राज्यसभा।
यदि दोनों में किसी विधेयक को पारित करते समय मतभेद हो गया, दोनों में क्या हो गया मतभेद, यदि दोनों में मतभेद हो गया तो इसका जुगाड़ है, एगो का है जुगाड़, इसका एक का जुगाड़ है किसके पास है राष्ट्रपति के पास, किसके पास है राष्ट्रपति के पास। अब ऊ बतिया राष्ट्रपति जानता है, कहता है बबुआ तुम सुन झगड़ा मत करा, झगड़ा मत करा तो उनसे लोग जुगाड़ है हमारे पास, कहा है का है तो संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, ठीक है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक का काम कौन करता है बुलाता है तो राष्ट्रपति बुलाता है, कौन बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। चिंता मत करिए मेरे दोस्त, इस सब बारी बारी से पढ़ाएंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे लेकिन सब अनुच्छेद में मिलेगा, एक एक बात को पढ़ाने का काम करूंगा, एक भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, धोखा नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए तो यह जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसके बाद आगे बढ़ने का काम करेंगे हम लोग, ठीक है जल्दी से। चलिए मेरे दोस्त आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद इसको इरेज करते हैं या मिटाते हैं, मिटाने के बाद अगली शक्ति आप लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटाकर अगली शक्ति पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। आप लोग भी जल्दी से क्या करिए, पढ़ते रहिए साथ में लिखते रहिए, ठीक है साथ में लिखते रहेंगे काम अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अगली शक्ति मिलेगी राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति, कौन सी शक्ति मिलेगी विशेषाधिकार शक्ति, देखिए अगला जो शक्ति मिलेगी इस शक्ति का नाम है विशेषाधिकार, इस शक्ति का नाम है विशेषाधिकार शक्ति, इस शक्ति का नाम है विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति के अंतर्गत कौन कौन सा आता है काम, तो विशेषाधिकार शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो काम आता है उसको देखते हैं। विशेषाधिकार शक्ति के अंतर्गत पहला वाला काम है कि राष्ट्रपति को पहली बात कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, कितना हूं बड़ा जुर्म कर देगा कौन राष्ट्रपति तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता। यह किस शक्ति के अंतर्गत आता है तो राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति है, राष्ट्रपति को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, यह उसकी विशेषाधिकार शक्ति है, कौन सी शक्ति विशेषाधिकार शक्ति। अगला वाला क्या है कि फौजदारी का मुकदमा नहीं लग सकता, अगला वाला मिलेगा क्या दूसरा वाला कि राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी, कौन सा फौजदारी का मुकदमा, राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी का मुकदमा, देखिए राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी का मुकदमा, फौजदारी का मुकदमा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा होगा। तीसरा वाला क्या होगा कि राष्ट्रपति के ऊपर, किसके ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी मुकदमा लग सकता है, दीवानी मुकदमा लग सकता है राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी नहीं लग सकता है, फौजदारी नहीं लग सकता है लेकिन दीवानी मुकदमा क्या कर सकता है, लग सकता है। देखिए अब पूछेंगे कि फौजदारी मुकदमा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो फौजदारी के अंतर्गत पहला वाला धमकी, राष्ट्रपति किसी को धमकी दे देगा उसके ऊपर फौजदारी नहीं लगाएंगे। दूसरा वाला क्या, दूसरा वाला आपको मिलेगा मर्डर, दूसरा वाला मर्डर, राष्ट्रपति मर्डर करता फिरेगा आपके अंदर कुछ हिम्मत भी नहीं है कि राष्ट्रपति के ऊपर कौन सा मुकदमा फौजदारी मुकदमा लगा सकते हैं। तीसरा वाला किडनैपिंग आती है इसके अंतर्गत, किडनैपिंग आती है। चौथा वाला रेप, राष्ट्रपति रेप करता फिरेगा क्या उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, कब तक नहीं चल सकता है जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक। देखिए
कब तक नहीं चल सकता है? जब तक राष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तभी तक, अपने पद पर है, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तभी तक हाई वाला मुकदमा नहीं लगेगा, और जब हटा तब, अरे चचा काम खत्म, तो हार गईला, बकरी का बच्चा हो गईला। मतलब ई कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है, सोचिए एक शक्ति अगमा पढ़ाएंगे, उस शक्ति का नाम है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद बहत्तर के अंतर्गत कितनों बढ़िया मुकदमा सजा आप कोर्ट से करवा के आएंगे, न्यायालय से, अनुच्छेद बहत्तर के अनुसार, हाँ राष्ट्र मैं अपना अपनी सजा स्वयं माफ करता हूँ, एक साइन करेगा, काम खत्म। इसलिए इसलिए नहीं लगता है कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है, राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर है तब तक उसे अनुच्छेद बहत्तर का प्रयोग करने के लिए छूट है। अनुच्छेद बहत्तर का मतलब क्षमादान की शक्ति, अपन सजा अपने ही माफ कर लेगा, कोई कुछ कर पाएंगे ना। इसलिए कहा गया कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक नहीं लगेगा, और जब हटिया आज शाम को कार्यकाल उनका समाप्त हुआ, मान लीजिए आज शाम को कार्यकाल समाप्त हुआ, कल सुबह से उनके ऊपर कौन सा मुकदमा, फौजदारी का मुकदमा चालू हो जाएगा। कल सुबह से उनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा क्या होगा, चालू हो जाएगा। फौजदारी के अंतर्गत ही आता है धमकी देगा, मर्डर करेगा, किडनैप करेगा, रेप करेगा, ठीक है, ये सब करेगा। राष्ट्रपति कुछ नहीं करेंगे जब तक अपने पद पर है तब तक, जब हट जाएगा राष्ट्रपति भी एक आम नागरिक की तरह हो जाएगा। तुरंत आज शाम को कार्यकाल समाप्त, कल सुबह से उनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चालू। लेकिन राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा तब भी दीवानी मुकदमा, कौन सा मुकदमा, दीवानी मुकदमा लगाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा का मतलब रुपया पैसा जमीन जायदाद, रुपया पैसा जमीन जायदाद से जो मतलब रहेगा उसे कहते हैं दीवानी मुकदमा, उसे कौन सा मुकदमा कहते हैं, तो दीवानी मुकदमा कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।